कर दीजिए डैडी हूँ कोई को दिक्कत थोड़ी है? <coughs> ठीक एक बार चेक कर लीजिए हाँ जी चेक कर हाँ, हाँ जी नमस्कार दोस्तों मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं श्री संकल्प क्लासेज का यूट्यूब चैनल आप सभी प्यारे दोस्तों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है तो दोस्तों शाम के छह बज चुके हैं और मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुका हूं पार्ट सेकंड लेकर के अक्षांश और देशांतर का भाग द्वितीय लेकर के आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ तो आज हम बात करेंगे अक्षांश और अक्षांश और देशांतरों के बारे में जैसा कि हमने कल इस टॉपिक को जहां पर छोड़ा था उससे आगे तो आज हम चर्चा करेंगे तो आज सबसे पहले मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को भोलेनाथ की कृपा बनाए रखने की दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे हमेशा आप सभी प्यारे दोस्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी प्यारे दोस्तों को हाँ भाई आ जाओ लाइव आ जाओ दोस्तों कृपा बनाए रखने की हाँ जी आ जाओ फटाफट लाइव आ जाओ दोस्तों मैं देख रहा हूं आपको चलिए हाँ जी हाय नमस्कार बिट्टू बिट्टू जी कह रहे हैं हाय नमस्कार हेलो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ शाम की ये नमस्कार आप तक पहुंचे बहुत बहुत नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग राम राम जी राकेश मीणा जी राम राम मैं भी आग्यो आग्यो तो बढ़िया है मजो ले क्लास को हेलो नमस्कार सर जी नमस्कार जी मजेदार वीडियो नमस्कार राजेश सेवदा आपको भी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया बम बम भोले विक्रम जी बम बम भोले जय शिव जी की जय हो निरंकारी जय हो शिव जी की आ जाओ अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न चले हम आओ देखो अक्षांश और देशांतरों से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं कल मैं आपको जाते जाते समय एक प्रश्न पर छोड़ गया था और प्रश्न यह था कि अक्षांश क्या प्यारे दोस्त अक्षांश और, और देशांतर के देशांतर के मध्य मध्य भाग को भाग को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है जरा सा आ जाओ एक बार क्या कहा जाता है अक्षांश और देशांतर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है मेरा प्रश्न ये था कि ये जो आप अक्षांश देखते हैं ये ये अक्षांश रेखा है और ये वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं आपने अगर बताया मैंने अगर पूछा होता कि दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं तो आप आसानी से बता दे कि बता देते कि गोरे या उस क्षेत्र को गोर कहा जाता है क्या कहा जाता है गोर अगर मैं पूछता आपको कि अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो भी आप आसानी से बता देते कि वो कटिबंध कहलाता है क्या कहलाता है कटिबंध कहलाता है लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य भाग को क्या कहा जाता है तो इसका उत्तर मैंने आपसे कल पूछा था और आज तक उम्मीद कर रहा हूं कि सबने कोशिश की होगी तो जवाब दे दो मुझे फटाफट से और बता दो हाँ जी प्रकाश जी हाय नमस्कार आपको बहुत बहुत नमस्कार 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले जवाब दे दो बच्चों एक बार ताकि मैं आपकी बात को समझ पाऊं हां जी एस खटाना जी नमस्कार आपको नमस्कार आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी वो हर लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी अरे वाह चरण ज्ञानी मेरे रसगुल्ले बहुत प्यारी शायरी है पर इसको अमल में लाओ इसको खुद भी अमल में लाओ प्यारे दोस्त राकेश यादव कह रहे हैं राम राम सर जी आपको भी राम राम भाई बहुत बहुत राम राम फटाफट से जवाब दे दो हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत केसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार सुनील सैनी राम राम जी आपको राकेश मीना शेयर करो बिल्कुल शेयर कर दो भाई और जम के शेयर कर दो इतना शेयर कर दो इतना शेयर कर दो कि आज मजा आ जाए चलो आ जाओ देखो अभी नहीं आ रहा है ना आपको हाँ 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 कोई बात नहीं उम्मीदों पे ही सारी चीजें कायम है है ना आप उम्मीद से हो उम्मीद है क्या आपको बेटा चलो ठीक है आ जाओ देखो तो यहां वाला जो क्षेत्र है प्यारे दोस्त इसको ग्रीड कहा जाता है क्या कहा जाता है ग्रीड कहा जाता है याद रखने वाली बात यह है आज तक आपने ये प्रश्न तक नहीं पहुंच बनाई होगी अब बना लेना आ जाओ अब बात करते हैं हम बात कर रहे थे किसकी हम बात कर रहे थे भूमध्य रेखा की और भूमध्य रेखा को क्या भी कहते हैं इसको जीरो डिग्री रेखा भी कहते हैं जरा ध्यान से सुनते जाओ ये प्रश्न बहुत काम के हैं बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और इनके प्रश्नों का पूछने का जो ढंग होता है वो बहुत ही सटीक तरीका होता है अक्षांश रेखा जीरो डिग्री अक्षांश रेखा चाहे इसे आप क्या कह सकते हो भूमध्य रेखा कह सकते हो क्या कह सकते हो भूमध्य रेखा कह सकते हो और इसे ही आप क्या कह सकते हो प्यारे दोस्त विश्वत रेखा कह सकते हो विश्वत रेखा अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि वर्ष भर यहां पर सूर्य लंबवत चमकता है यह प्रश्न तो बनता ही बनता है तो आपके सामने एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है उसका जवाब देना इस प्रश्न का जवाब देना प्रश्न यह है कि किस स्थान पर किस स्थान पर किस स्थान पर दिन व रात दिन रात की अवधि 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 समान होती है समान होती है समान होती है दिन व रात की अवधि क्या होती है प्यारे दोस्त समान होती है जरा ध्यान से देख लेना वो कौन सा स्थान है जहां पर दिन व रात की अवधि समान होती है मतलब ये कि बारह घंटे का दिन कितने घंटे का बारह घंटे का दिन और बारह घंटे की ही क्या होनी चाहिए वहां पर रात होनी चाहिए तो ऐसा पृथ्वी का कौन सा स्थान है जहां पर दिन भी बारह घंटे का होता है और रात भी बारह घंटे की होती है बताओ जरा सा मैं ऑप्शन दू क्या आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको ध्रुवों पर पहला ऑप्शन क्या है ध्रुवों पर दूसरा ऑप्शन क्या है साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तीसरा ऑप्शन क्या है साढ़े छियासठ डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर कौन सी रेखा पर भूमध्य रेखा पर तो जरा मुझे बता दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट से आंसर दो जी फटाफट अरे वाह शाबाश अंटार्कटिका अशोक मेघवाल जी कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में दिन और रात बराबर होते हैं नहीं बेटा दिन और रात बराबर वहां नहीं होते हैं रूपाराम कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर होते हैं भूमध्य रेखा के लिए एक बच्चे ने और हामी भरी है तो ये तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई जाट सरकार कोई बात नहीं आप आ गए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजे सेवदा ओह हो कर दिया स्टार्ट हाँ जी कर दिया आप कहां थे आपको भी आना चाहिए था ना पहले चलो आ जाओ ये बताओ कि कौन सी वो जगह है जहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी बताना है आपको सही उत्तर इसका क्या होगा भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि इसलिए बराबर होगी क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति यहीं पर लगभग बराबर रहती है या लगभग इसी पर लंबवत रहती है तो इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होगी एक वर्ष में दो दिन ऐसे होते हैं या दो तारीखें ऐसी होती है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है और वो तारीखें आप सब जानते हैं कि जब सूर्य एक बार तो ये भूमध्य रेखा है कौन सी रेखा है भूमध्य रेखा सूर्य जब एक बार उत्तरायण होता है और सूर्य जब एक बार दक्षिणायन होती है होता है ये कौन सी दिशा है प्यारे दोस्त दक्षिणायन दक्षिणायन होता है एक बार जब दक्षिणायन होता है एक बार जब उत्तरायण होता है उत्तरायण होता है सूर्य सर हाँ जी उत्तरायण होता है जब भूमध्य रेखा के ऊपर ऊपर होता है सूर्य तो उसे स्थिति कहते हैं बहुत बढ़िया भाई शुक्रिया आपका सब प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हां जी मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अरे वाह बच्चे ने चरण जानी ने बहुत सटीक उत्तर दिया वाह बेटा शाबाश धन्यवाद के पात्रों आ जाओ देखो एक समय ऐसा होता है जब सूर्य उत्तरायण होता है और एक समय ऐसा होता है जब सूर्य दक्षिणायन होता है अब यह बताओ मुझे कि उत्तरायण कब होता है सूर्य और दक्षिणायन कब होता है मतलब यह हुआ कि दो तारीख मैं आपको बता रहा हूं एक तो है 21 मार्च एक तो कौन सी मार्च 21 मार्च और एक तारीख है वो है 23 सितंबर एक कौन सी तारीख है 23 सितंबर। तो दो तारीख और दोनों सूर्य उत्तरायण स्थिति में प्रवेश कर जाता है और कौन सी तारीख के बाद सूर्य दक्षिणायन स्थिति में प्रवेश कर जाता है तो फटाफट से मुझे जवाब दे दो ताकि मैं आपके जवाबों को सब तक पहुंचा सकूं हां जी हाँ बिल्कुल अशोक जी बिल्कुल बिल्कुल हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं आप जवाब दो भाई फटाफट से जवाब दो इस, इस प्रश्न का बहुत जल्दी से जवाब दो कि वो कौन सी तारीख है जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में प्रवेश करता है वो कौन सी तारीख है जब सूर्य दक्षिणायन स्थिति में प्रवेश करता है फटाफट से जवाब दे दो भाई तेईस तारीख को सूर्य किधर जाता है ये भी बताओ मेरे भाई तेईस तारीख को बिट्टू ये भी बताओ किस हाँ दो तारीख तो मैंने लिखी थी ना यहाँ पर तो आपको क्या बताना है आपको ये बताना है उत्तर में जाता है कि दक्षिणायन में शीष राम ये बता बेटा कि इक्कीस तारीख को वो उत्तर में जाता है कि दक्षिण में जाता है तो आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो दोनों तारीखें होती हैं इस समय तो सूर्य एकदम भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है लेकिन इसके बाद उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो ये बताओ कि कौन सी वो तारीख है जब उत्तरायण होता है और कौन सी वो तारीख है जब दक्षिणायन होता है हाँ जी मार्च के बाद में आप सब जानते हैं क्या होता है हमारे यहां पर गर्मी होती है हमारे यहां पर गर्मी होती है इसका मतलब सूर्य हमारी तरफ होगा कि हमसे दूर होगा हमारी तरफ होगा तो याद रखें कि मार्च तो मार्च 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होता है कौन से मार्च के बाद में 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होता है और 23 सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन होता है अब मेरा सवाल आपसे है कि सूर्य अब आज के दिन उत्तरायण है कि दक्षिणायन है जरा फटाक से बता दो मुझे आज सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है शीश राम सैनी कह रहे हैं कि उत्तरायण है सर आज सूर्य उत्तरायण है यह कहना चाह रहे हो बेटा या फिर 21 मार्च को उत्तरायण होता है यह बताओ हाँ जी बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी शेयर कर दो क्लास को मजा आ जाए क्लास को पढ़ने में मजा आ जाए आपको मैं कह रहा हूं कि यहां से संबंधित ग्लोब से संबंधित कोई प्रश्न बचेगा नहीं जो आप नहीं करेंगे आप कौन सा भी एग्जाम देंगे कौन सा भी परीक्षा में बैठेंगे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिएगा हाँ जी उत्तरायण 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 राजेश सेवदा उत्तरायण चरण जानी उत्तरायण ठीक है, बहुत बढ़िया और भी जवाब दे दो बाकी कहां जा रहे और जवाब देने के बाद में डिलीट ना किया करो मैं देख रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है जवाब जैसा भी आपने दिया है सराखों पर दक्षिणायन में है आज सूर्य दक्षिणायन में है अशोक मेघवाल कह रहे हैं आज सूर्य दक्षिणायन में है बिल्कुल सही उत्तर है आपका एकदम सही उत्तर तक पहुंचे हो आप अशोक जी तो इसका मतलब यह हुआ कि आज सूर्य दक्षिणायन है आज सूर्य दक्षिणायन है कौन सा महीना चल रहा है मार्च का महीना चल रहा है सर मार्च में तो आपने बताया कि किधर हो जाता है वो उत्तरायण हो जाता है अरे भाई आज तारीख कितनी है आज तारीख इक्कीस तारीख से ज्यादा है कि कम है कम है तो अभी तो इसी महीने की किस तारीख को सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा उसके बाद उत्तरायण होगा उसके बाद उत्तरायण होगा क्लियर है याद रहेगी ये बात बिल्कुल ठीक है आ जाओ आगे आ जाओ ठीक है यहां तक की बात समझ में आई क्लियर तो दो तारीखें जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है अब जरा सा ध्यान से सुनना एक रेखा है जो अक्षांश रेखा है और अक्षांश रेखाओं में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अक्षांश रेखाओं में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं बच्चों हम अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आप जानते ही हैं इक्यासी एक सौ इक्यासी होती है लेकिन अगर आपसे शुद्ध अक्षांशों की संख्या पूछे तो एक सौ उसी भी आप बता सकते हैं जब दोनों लास्ट वाले व्रत को आप नहीं मानते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं अगर आपके सामने प्रश्न आए कि साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री कितना डिग्री साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की स्थिति पर सूर्य की स्थिति किसकी स्थिति प्यारे दोस्त सूर्य की स्थिति लंबवत स्थिति लंबवत कैसे लंबवत कब होगी लंबवत किस तारीख को होगी किस तारीख को होगी <coughs> बता दो भाई किस तारीख को लंबवत होगी आप मुझे बताओ कि कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब लंबवत होगी लंबवत का मतलब यह होता है सीधा कब चमकेगा ये बताना है तो ये बताओ एक रेखा तो ये जो जीरो डिग्री है एक रेखा ये जो साढ़े तेईस डिग्री पर स्थित है और ये उत्तर में है और एक रेखा ये ये भी साढ़े तेईस डिग्री पर स्थित है लेकिन ये दक्षिण में है किधर है दक्षिण में इस दक्षिण वाली साढ़े तेईस डिग्री अक्षांश रेखा को तो प्यारे दोस्तों मकर रेखा कहा जाता है क्या कहा जाता है मकर रेखा कहा जाता है और इसको कर्क रेखा कहा जाता है क्या कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है तो मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत किस तारीख को चमकता है कौन सी वो तारीख है जब सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर हाँ जी बता दो फटाफट से जवाब दो अरे भैया लाइव कम हो गए छोरों को अभी तक सेंड करने में दिक्कत हो रही है फटाफट से सेंड करो क्लास को फटाफट से शेयर करो क्लास को 22 जून बताया है अशोक मेघवाल ने बेटा पढ़ा हुआ तो है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं कोई बात नहीं बाईस जून से थोड़ा सा और नीचे आते तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाते इक्कीस जून राइट आंसर कौन सा जून 21 जून सही उत्तर है भैया 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है अब 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो क्या-क्या स्थितियां बनेंगी जरा ध्यान से सुनना यहां पर सूर्य इस जगह पर सूर्य लंबवत चमकता है तो यहां पर दिन क्या हो जाएगा दिन तो बड़ा हो जाएगा दिन की अवधि तो बड़ी हो जाएगी और रात की अवधि क्या हो जाएगी रात क्योंकि आधा आधे से ज्यादा गोलार्ध नीचे की तरफ रह गया है तो रात यहां पर क्या होगी रात छोटी होगी रात छोटी होगी रात की अवधि सबसे छोटी कर्क रेखा पर या फिर भूम या, या फिर उत्तरी गोलार्ध में या फिर भारत में कितना तो कौन सा भी प्रश्न बन जाए क्या फर्क पड़ रहा है है ना जरा जाओ मुझे बताओ कि कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है और तारीख आपको पता ही है जैसे कि बच्चे ने बताया 21 जून कौन सा जून 21 जून अब कॉमन सेंस की बात है ये ये कॉमन सेंस की बात है कि 21 जून को कौन से जून को 21 जून को सूर्य सूर्य कर्क रेखा पर कौन सी रेखा पर कर्क कर रेखा पर लंबवत चमकता है लंबवत चमकता है लंबवत चमकता है तो लंबवत चमकता है तो क्या क्या होता है जरा ध्यान से सुनना दिन बड़ा दिन क्या होगा बड़ा होगा रात रात छोटी रात क्या होगी छोटी और एक चीज बताओ परछाई कैसी बनेगी बड़ी कि छोटी परछाई बताओ रे परछाई छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी 21 तारीख का दिन है 21 जून 21 जून का दिन है अब आप कर रेखा पर खड़े हुए हो और आप मुझे बता दो कि आपकी परछाई सबसे बड़ी बनेगी कि सबसे छोटी बनेगी फटाफट से फटा आंसर दो क्लास को शेयर करो जम के शेयर करो प्रश्नों के उत्तर दो आपको आने चाहिए सारे प्रश्न राजेश सेवदा कह रहे हैं 21 जून 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया शाबाश 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है फटाफट से जवाब दो सबसे छोटी परछाई बनेगी राजेश सेवदा भी कह रहे हैं चरण जाने भी कह रहे हैं बाकी के बच्चे भी बताओ रहे हैं बाकी के बच्चों की बैटरी लुल क्यों हो गई है जरी जरा फटाफट से बताओ प्रियांशु इंडियन अरे बेटा चरण स्पर्श बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़े दिनों बाद दिखे हो आप हाँ जी बिट्टू छोटी छोटी जाट सरकार छोटी रूपाराम छोटी हाँ छोटी किसी लड़की का नाम नहीं है रे मैं परछाई की बात कर रहा हूं है हाँ ना तो ध्यान दें हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है रूपाराम परछाई छोटी होगी परछाई क्या होगी छोटी होगी सर परछाई छोटी क्यों होगी इसलिए होगी क्योंकि जब फोकस या फिर लाइट आपके सर के ऊपर होती है तो आपकी परछाई है वो नीचे बनती है दूर बनने के बजाय नीचे बनती है और नीचे बनती है तो परछाई लंबी नहीं दिखाई देगी छोटी दिखाई देगी तो ये तीनों बातें बहुत ही काम की हैं रात भी छोटी होगी और परछाई भी छोटी होगी लेकिन दिन बड़ा होगा दिन क्या होगा बड़ा होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्कीस जून को दिन चौदह घंटे का हुआ तो रात कितने घंटे की हुई रात दस घंटे की हुई क्यों सर दस घंटे की क्यों हुई अरे बावड़े चौबीस घंटे का ही होता है दिन और रात मिलाकर के चौबीस घंटे का होता है तो चौदह घंटे का दिन हो गया तो बचे हुए घंटे किस में चले जाएंगे रात में बीत जाएंगे ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जरा फटाफट से बता दो हाँ जी बहुत बढ़िया शाबाश शुक्रिया चले आगे आ जाओ ये तो हो गई भैया किसकी बात कर्क रेखा की बात और मैं बता दूं आपको कि ये कर्क रेखा जो है ये भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है बहुत काम की रेखा है भैया ये कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है कितने राज्यों से आठ राज्यों से होकर गुजरती है और उस राज्य से होकर भी गुजरती है जिससे आपका राबता है जिससे आपका लेना देना है मतलब राजस्थान से होकर भी गुजरती है तो मैं उन आठ राज्यों के नाम पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना सबसे पहले पश्चिम में गुजरात राज्य कौन सा राज्य गुजरात गुजरात के बाद में राजस्थान कौन राजस्थान राजस्थान से भी गुजरती है हाँ राजस्थान के बाद में ये एमपी चली जाती है कहा चली जाती है एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ चली जाती है कहा चली जाती है छत्तीसगढ़ चली जाती है छत्तीसगढ़ के बाद ये एमपी चली जाती है एमपी के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में यह आपका झारखंड चली जाती है कहाँ झारखंड चली जाती है और झारखंड के बाद में ये आपकी पश्चिम बंगाल चली जाती है कहाँ चली जाती है पश्चिम बंगाल चली जाती है पश्चिम बंगाल के बाद में ये कहाँ चली जाती है त्रिपुरा चली जाती है त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम चली जाती है कहाँ चली जाती है मिजोरम चली जाती है मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरम थंगा है मिजोरम का मुख्यमंत्री अलग से याद रखना। एक दो तीन चार पांच सात और आठ आठ राज्य चाहिए थे। आठ राज्य पूरे हो गए भैया आठ राज्यों की ही हमें आवश्यकता थी आठ राज्य कंप्लीट हुए आठ राज्यों से होकर गुजरती है जी सर इंडियन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया राजस्थान भी हाँ जी राजस्थान भी है राजस्थान से होकर भी गुजरता है अच्छा राजस्थान के दो जिले राजस्थान के कितने जिले दो जिले जहां से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है कर्क रेखा गुजरती है कौन सी रेखा गुजरती है कर्क रेखा बिल्कुल दो जिले नाम बता देता हूं मैं एक तो है प्यारे दोस्त एक जिले का नाम है डूंगरपुर क्या नाम है डूंगरपुर डूंगरपुर कहां पर है डूंगरपुर पर है? ये राजस्थान में ही है राजस्थान का दक्षिणी दक्षिणी जिला है, और एक जिले का नाम है बांसवाड़ा क्या नाम है बांसवाड़ा ये बांसवाड़ा से होकर भी गुजरती है कौन सी रेखा कर्क रेखा तो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा सवाल आया नन्हा सा सवाल आया कि बताओ कि कर्क रेखा पर या कर्क रेखा पर कौन सा जिला स्थित है राजस्थान का तो कर्क रेखा पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से यदि आपको तुलना करवाई जाए तो आप कहेंगे कि कर्क रेखा पर कौन है बांसवाड़ा डूंगरपुर का तो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर का तो दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा कर्क रेखा अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अगर आपसे क्या पूछा जाए राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती बता दो चरण जानी मैं देख रहा हूं आपको फटाफट से जवाब दे दो कौन से जिले में तिरछी पड़ती है फटाफट फट फटा जवाब दो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं इसका जवाब दें फटाफट हाँ जी सर ट्रिक बताओ अरे भैया ट्रिक में क्या रखा है ट्रिक में क्या रखा है ट्रिक बता देंगे ट्रिक से भी आपको सिखाएंगे गंगानगर चरण जाने का जवाब गंगानगर आया है लेकिन इस बात से मैं अभी तक सहमत नहीं हूं क्योंकि जब तक बहुत सारे बच्चों के कमेंट नहीं आएंगे इस बात पर मोहर लगाने के लिए और सारे बच्चे नहीं कहेंगे कि गंगानगर तो मैं नहीं मानूंगा भाई जानी है ना तो बता दो क्योंकि आज तो बच्चों पर ही सब ये बांसवाड़ा मेरे लाल ऐसे नहीं होता गंगानगर ही है वो कौन है गंगानगर ही है अरे सीसराम राम बातों में मत आया कर किसी की बातों में मत आया कर बेटा वो गंगानगर है बांसवाड़ा नहीं है गंगानगर वो जिला है जहां राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं किसकी किसकी सूर्य की क्यों सर क्यों पड़ती है अरे मैं कारण बता देता हूं ना क्यों पड़ती है कारण का भी तो पता होना चाहिए कि क्यों पड़ती है गंगानगर में तिरछी मैं कह रहा हूं कि इस कर्क रेखा कहां कहां तक कहां, कौन से जिलों से होकर गुजरती है से तो एक बात बता भैया कि सूर्य अगर यहां तक लंबो चमकेगा यहां तक सीधा चमकेगा तो यहां पहुंचने में तो सूर्य की किरणों को समय लगेगा ना समय लगेगा तो यहां पर या फिर आप यू कह है सकते हैं इस स्थान से तो ये वाला स्थान बहुत दूर है तो यहां पर सूर्य की किरणों का तिरछा लाजमी है मेरे लाल है ना क्लियर है ना वो गंगानगर है क्या है गंगानगर है मानो ने मानो मेरो के मेरे ना भैया तू तो मारो पितर है देवता है तन तो मान पड़सी पड़ पितर पितर मानना पड़ेगा तेरे को मान गए भैया मान गए हाँ जी कृष्ण जी जीराना गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग नमस्कार नमस्कार चलिए बात समझ में आई। तो तो गंगानगर में और सबसे लंबवत की बात करें तो फिर वो बांसवाड़ा में ठीक है ये तो हुई जी किसकी बात ये तो हुई आपकी कर्क रेखा की बात अब सवाल कई बार ये भी आ जाता है कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है कौन सी रेखा की कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है तो सीधा सा ध्यान रखें आप 26 किलोमीटर बताई जाती है कितने किलोमीटर 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई बताई जाती है चलिए अब च, अब चलते हैं मकर रेखा पर कौन सी रेखा पर मकर रेखा पर और ये मकर रेखा है ना ये मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है किधर स्थित है भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है ये भूमध्य रेखा और इसके दक्षिण में साढ़े तेईस डिग्री पर कितने डिग्री पर साढ़े तेईस डिग्री पर जो रेखा है उसी को कहा जाता है मकर क्या कहा जाता है मकर रेखा अब एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य मकर रेखा तक लंबवत चमकता है दक्षिण गोलार्ध में अगर सूर्य की बात करें तो मकर रेखा तक लंबवत चमकता है अब यह बताओ कि मकर रेखा पर सूर्य किस तारीख को लंबवत चमकता है कौन सी रेखा पर मकर रेखा पर सूर्य किस तारीख को लंबवत चमकता है तो hmm. मेरा ऑप्शन आपके सामने ए ऑप्शन यह है कि 21 मार्च को चमकता है बी ऑप्शन यह है बी ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन है कि 22 दिसंबर को चमकता है 22 दिसंबर को चमकता है और सी ऑप्शन यह है कि तेईस सितंबर को चमकता है तेईस सितंबर को चमकता है और सी डी ऑप्शन ये है नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है सर आपको अंग्रेजी भी आती है नहीं रे थोड़ी थोड़ी आओ भैया नन दीज, नन ऑफ ऑफ दीज दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं तो बताओ इनमें से कोई एक ऑप्शन है कि नहीं है ये बताओ फटाफट से कोई एक उत्तर है कि नहीं है मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब किस तारीख को चमकता है फटाफट से उत्तर दो हाँ जी अरे वाह शाबाश फटाफट से 22 दिसंबर 21 जून गंगानगर अरे अभी तक गंगानगर पे टिके हो छोरो राजेश सेवदा 22 दिसंबर को भाई रूपाराम जी 22 दिसंबर को जाट सरकार बी के साथ 22 दिसंबर के साथ है और कौन कौन है बिट्टू 21 मार्च अरे बावला 21 मार्च क्या रहे? इक्कीस मार्च क्या इक्कीस मार्च तो मैंने पहले ही बता दिया था ना एक तारीख को दो दो काम नहीं होते तारीख को सूर्य एक जगह ही हो सकता है एक तारीख को नहीं होगा भैया मार्च मार्च को नहीं होगा के लिए तो मैंने बता दिया कि वो कौन सी रेखा पर होता है भूमध्य रेखा पर होता है कौन सी रेखा पर होता है भूमध्य रेखा पर होता है तो बताओ फटाफट बाईस दिसंबर को मैं मान लू हाँ जी लोक किया जाए बिल्कुल हाँ मान लो बोला आपका क्या जाता है सर लो मान लेते हैं भैया 22 दिसंबर सही उत्तर कौन सा उत्तर 22 दिसंबर इज राइट आंसर अब देखो 22 दिसंबर को क्या क्या होता है ये आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य कहां लंबवत चमकता है कर -करे, मक, मकर रेखा पर माफी चाहूंगा मकर रेखा पर तो आप मुझे बताओ प्यारे दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तारीख को होगा सबसे छोटा दिन अरे यहां सीधा चमकता है तो यहां तो दिन कैसा होगा बड़ा होगा दिन कैसा होगा दिन बड़ा होगा रात कैसी होगी रात छोटी होगी दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होना होना पड़ेगा ना रात को छोटा होना पड़ेगा अगर मैं परछाई की बात करूं किसकी बात करूं प्यारे दोस्त परछाई की बात करूं तो परछाई कैसी होगी परछाई बड़ी होगी कि छोटी यहां तो मैं यहां तो मैं छोटी लिख देता हूं परछाई यहां पर कैसी बनेगी छोटी बनेगी और यहां पर कैसी बनेगी यहां पर छोटी परछाई ये तो दक्षिणी गोलार्ध की बातें हैं ये तो कौन से गोलार्ध की बातें हैं दक्षिणी गोलार्ध की बातें हैं तो उत्तरी गोलार्ध में बताओ हिंदुस्तान तो उत्तरी गोलार्ध में है पूरा का पूरा हिंदुस्तान के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा का गुजरना होता है कौन सी रेखा का कर्क रेखा का तो कर्क रेखा पर यह बताओ कि कौन सी वो तारीख है कर्क रेखा पर यह बताओ कौन सी वो तारीख है जब दिन की अवधि सबसे छोटी होती है आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि 22 दिसंबर को अगर दिन यहां पर बड़ा है तो यहां पर ऑब्वियसली छोटा होगा तो आप कहना कि 22 दिसंबर का वो दिन है जब दिन की अवधि छोटी होती है सर्दी 22 दिसंबर सर्दी का टाइम होता है शीत ऋतु होती है आप नॉर्मली बात को समझ सकते हैं कि शीत ऋतु में दिन बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं छोटे होते हैं ना दिन छोटे होते हैं छोटे छोटे दिन होते हैं फटाफट से निकल जाते हैं ना और गर्मियों के जब दिन आते हैं गर्मियों के जब अब आने लगे हैं गर्मियों के जब दिन आते हैं तो उनकी अवधि है वो बढ़ती हुई चली जाती है और फिर उबास से आते हैं बच्चों को क्लासों में क्या आते हैं उबास आते हैं है ना ध्यान रखिए चाहे आपको उबास आए फिर भी भैया यहां पर कौन सी तारीख को 22 दिसंबर को ही दिन सबसे छोटा होगा उत्तरी गोलार्ध में चाहे आप भारत कह दो चाहे आप उत्तरी गोलार्ध कह दो चाहे आप कर्क रेखा कह दो कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी परछाई बाईस दिसंबर को होगी कौन सी तारीख को होगी 22 दिसंबर को यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछे अगर मैं यहां यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है हाँ जी बिट्टू 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 मैं हूं भाई बिट्टू हां जी बढ़िया बढ़िया हाँ दिख रहा है भाई बिट्टू मैं जान गया बिट्टू चरण जैनी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी परछाई अरे वाह बेटा चरण जानी जहन में उतार लिया बातों को बहुत बढ़िया नरेश कुमार जी गुड इवनिंग बहुत बहुत नमस्कार आपको नमस्कार नरेश कुमार जी मैं आपके कमेंट देख रहा हूं मैं आपको लगातार देख रहा हूं एक बार सर जी चलिए भैया चलिए कोई बात नहीं आ जाओ वापस आओ चलिए देखते हैं आगे की बातें करते हैं तो यहां तक के प्रश्न क्लियर है सबको अक्षांशों से संबंधित ये प्रश्न कर लोगे अब दो प्रश्न निकल करके आते हैं क्या क्या प्रश्न है जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आता है कि आर्कटिक 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 व्रत व्रत कितने डिग्री कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश पर स्थित है तो बताओ कि आर्कटिक व्रत कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है एक तो यह प्रश्न है दूसरा प्रश्न यह है कि अंटार्कटिक क्या अंटार्क अंटार्कटिक किस अंटार्कटिक व्रत किस अक्षांश पर किस अक्षांश पर किस अक्षांश पर, पर स्थित है स्थित है ये दोनों प्रश्नों के जवाब दे दो भैया दोनों प्रश्नों के जवाब दे दो कि आर्कटिक तो कौन से पर है और अंटार्कटिक कौन से अक्षांश पर या कौन से व्रत ये आर्कटिक व्रत है वो कौन से अक्षांश पर स्थित है फटाफट से जवाब दे दो मुझे हाँ जी जी फटाफट से जवाब दे दो फोन डिस्चार्ज हो गया था कोई बात नहीं है ना आ जाएगा आ जाएगा जल्दी से बता दो मुझे मैं देख रहा हूँ कौन, कौन से डिग्री अक्षांश पर, तो पर है, है जरा फटा फटाफट से मुझे बता दें जल्दी से मुझे बता दें अंटार्कटिक व्रत की एक बात बता देता हूं मैं आपको अंटार्कटिक व्रत लगभग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है कारण है इसका कि यहाँ की यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष में कभी भी लंबवत नहीं पड़ती सीधी नहीं पड़ती सीधी नहीं पड़ती तो यहाँ पर हमेशा सर्दी का माहौल बना रहता है इसलिए यहां पर क्या रहता है यहां पर हमेशा बर्फ चढ़ी रहती है इसलिए इस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप भी कहते हैं इसलिए क्या कहते हैं सफेद महादीप भी कहते हैं अब मुझे बता दो क्या पूछ रहा था मैं आपसे मैं पूछ रहा था इन दोनों प्रश्नों के जवाब मुझे दे दो फटाफट से आपका जवाब आया है कि क्या आया है जरा मैं देख लेता हूं एक बार फटाफट से हां जी बताओ चलिए चलिए हाँ हाँ आ गया मैं वापस आ गया मेरे लाल साढ़े तेईस डिग्री नरेश कुमार साढ़े तेईस डिग्री राम राम गुरुजी बुदोली से नमस्कार भैया संदीप नमस्कार थाने थारा घराला नहीं नमस्कार राजेश शिवदा होशियार हो आजकल चरण हाँ भैया तू भी हो रे भैया तन कुंड रोके है चरण जानी हाँ चरण जानी छासठ साढ़े अरे वाह मैं कह रहा हूं चरण तो आजकल किताब हो गया चरण तो आजकल क्या हो गया किताब हो गया हाँ जी बहुत बढ़िया छोटू राम जी पड़िहार साढ़े छियासठ शाबाश जी शाबाश बहुत बढ़िया सही उत्तर एकदम सही उत्तर है ये दोनों के दोनों व्रत है आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत दोनों ही साढ़े डिग्री पर स्थित है दोनों ही साढ़े छियासठ डिग्री पर स्थित है सर दोनों एक डिग्री पर स्थित कैसे हो सकते हैं ऊपर वाला यानी कि आर्कटिक व्रत है वो साढ़े छियाठ डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है प्यारे दोस्त और नीचे वाला नीचे वाले का मतलब मेरा यह है कि अंटार्कटिक जो व्रत है वो व्रत क्यों कह रहा हूं सर मैं इनको व्रत क्यों कह रहा हूं कौन बताएगा कि व्रत क्यों कह रहे हो सर इनको आप मैं कह रहा हूं किस लिए कह रहा हूं जरा देखना साढ़े छियासठ डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है कौन से अक्षांश अक्षांश पर स्थित है दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है अब मैं बता देता हूं कि इनको मैं व्रत क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना ये आप जब पूरा ग्लोब देखते हैं पूरे ग्लोब में जब आप ऊपर वाला जो बिंदु देखते हैं ऊपर वाला जो बिंदु देखते हैं ये ऊपर वाला जो बिंदु देखते हैं आप ग्लोब में ये ऊपर वाला जो बिंदु देखते हैं ये साढ़े छियासठ डिग्री पर है ये साढ़े छियासठ अब बताओ ये व्रत है कि नहीं है व्रत है ना इसीलिए मैं कह रहा था कि ये व्रत है क्या है व्रत है क्लियर है भाई ध्यान रह जाएगी अब चलते हैं हम देशांतरों देशांतरों की की तरफ तरफ की तरफ किसकी ये मकर रेखा की बात हो गई भूमध्य रेखा की बात हो गई और किसकी बात हो गई और बात हो गई है व्रतों की बात हो गई आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत दोनों व्रतों की बात हो गई है आपके सामने एक बड़ा प्रश्न निकल करके आता है अक्षांशों से संबंधित यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और यह बहुत सारी किताबों में एक ही तरीके से दिया हुआ प्रश्न है प्रश्न का प्रकार यह होता है कि अक्ष अस, अश्व अक्षांश क्या अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है जी बहुत बढ़िया बहुत प्यारा प्रश्न है अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है अक्षांश किसे कहा जाता है इस बात का जवाब मुझे कितने बच्चे देंगे फटाफट से जो इस बात का जवाब देगा यकीन मानो मैं उसे ब्रिलियंट घोषित कर दूंगा हां जी बिल्कुल विकास पुनिया जी गुड इवनिंग नमस्कार सर आप आ गए धन्यवाद हेलो हाँ जी बढ़िया बहुत बढ़िया हाल है मेरे सुनील कुमार बाजोर से बात कर रहे हैं छासठ पॉइंट क्या होता है इसमें पॉइंट कुछ नहीं होता है डिग्री में पॉइंट थोड़ी लगाओगे यार डिग्री में तो ये कह सकते हो आप छासठ डिग्री और तेतीस मिनट कह सकते हो लेकिन तेतीस मिनट नहीं है ना ठीक है ध्यान रखें छासठ पॉइंट पॉइंट नहीं होता यार इसमें पॉइंट नहीं होता है ध्यान रखें यहां पर तो डिग्री लगाना छासठ डिग्री और तेतीस मिनट कहते अगर कहना होता बिट्टू तो आप देखें गुड इवनिंग राजेश सेवदा फटाफट बताओ मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं कि अश्व अक्षांश कौन से अक्षांशों को कहा जाता है अश्व अक्षांश के नाम से कौन से अक्षांश जाने जाते हैं क्लास को शेयर कर दो क्लास को शेयर कर दो छोरो क्लास को शेयर कर दो रे हाँ क्लास को शेयर कर दो चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग जितेंद्र जी कंपनी हाँ जी कंपनी अरे वाह आ जाओ अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है बता दू मैं बता देता हूं आपको तीस से पैतीस डिग्री कितने से कितने डिग्री तीस से पैतीस डिग्री दोनों अक्षांशों में तीस से पैंतीस डिग्री दोनों अक्षांशों में 30 से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं जरा समझना इस बात को ये उत्तरी अक्षांश भी है प्यारे दोस्त उत्तरी अक्षांश भी है और ये दक्षिणी अक्षांश भी है ये दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश दोनों है इन दोनों को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि प्राचीन काल में कौन से काल में प्राचीन जो आपने और हमने नहीं देखा है प्राचीन काल में जब क्या होता था जब प्राचीन काल में जलयान में कौन से यान में जलयान में, में हवाई जहाज में नहीं वायुयान में नहीं की बात कर रहा हूं। में घोड़ों का व्यापार किया जाता था किसका व्यापार किया जाता था जलयान के माध्यम से घोड़ों का व्यापार किया जाता था तो जैसे ही जैसे ही किसमें 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य जलयान पहुंचता था डिग्री से लेकर के पैंतीस डिग्री अक्षांशों के मध्य जलयान जब पहुंचता था तो यहां पर विरल वायुमंडल होने के कारण विरल वायुमंडल का मतलब यह है कि यहां पर वायुमंडल की उपस्थिति कम होती थी ग्रेविटी ज्यादा हो जाती थी यानी कि अब यहां पर 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक जब जलयान पहुंचता था तो दबाव के कारण डूबने लगता था जहाज क्या करता था डूबने लगता था और डूबने से बचाने के लिए किससे डूबने से बचाने के लिए उसने हां भर दी हां नहीं रे डूबने से बचाने के लिए उसने क्या कर दिया एक घोड़े को उठा करके किसको को उठा करके घोड़े को उठा करके किस में फेंक दिया जल में फेंक दिया और घोड़े को उठा करके जल में फेंक देने के कारण ही वो जलयान बच गया जलयान बच गया तो इन्होंने नाम ही क्या रख दिया बोले ये अक्षांश है अच्छा पता नहीं होता था पहले आज तो रेडार से काम चलता है रेडार से जाते हैं सारे जलयान पहले ऐसा नहीं होता था तो इसलिए वो गलती से इस क्षेत्र में घुस जाते थे और गलती से इस क्षेत्र में घुस जाने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता था घोड़ों को उठा करके किस में डालना पड़ता था पानी में इस वजह से वो जलियान बच पाते थे और इसके बाद इसका नाम ही क्या डाल दिया उन्होंने अश्वक सांस नाम अश्व का मतलब क्या होता है आंसू नहीं होता अश्व का मतलब प्यारे दोस्त अश्व का मतलब घोड़ा होता है है होता है है कोई घोटक कहते हैं घोटक कोई घोड़ा कहते हैं ध्यान रखना इसी का नाम वाजी है वाजी भी इसी का नाम है तुरंग भी इसी को कहते हैं ठीक है तुरंग ये सब पर्यायवाची हैं घोड़े के हाँ जी फटाफट बताओ हम्म हाँ रजानीम बहुत बढ़िया अच्छा अब देख लेता हूं राजेश सेवदा क्या कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पछुआ व्यापारिक पवनों की पेटियों के मध्य पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी जो सामान्यतः 300 से पै साढ़े तीन सौ अक्षांशों के मध्य मेरे भाई साढ़े तीन सौ अक्षांश 300 अरे अच्छा मैं समझ गया तीस अक्षांश से पैंतीस अक्षांश कहना चाहता है तू मैं समझ गया तेरी भावनाओं को कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया ठीक है बढ़िया राजेश आपने बहुत ही बढ़िया डिटेल से उत्तर दिया है हाँ जी आगे आ जाओ हाँ छोरो पढ़ लो नारायण बिल्कुल शाबाश छोरे शाबाश आपने बहुत बढ़िया बात बताई है समझा रहे भैया ओ हो ना गूगल की हेल्प हेल्प ले लो बेटा लेकिन एग्जाम में कोई हेल्प कौन कर बात है ना सर आई एम सिलेक्टेड इन फ्रॉम दिस कोचिंग ओहो सैल्यूट सैल्यूट बेटा आपको स्वागत है आपका आप एक बार कैंपस में आकर के जाए आपके लिए गिफ्ट तैयार है बेटा बहुत बढ़िया शाबाश अरे आपने हमारा नाम रोशन किया यार इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता इससे बड़ा और कोई तोहफा हो नहीं सकता आपकी नौकरी लग जाए हमारा तो कल्याण संभव है भैया हम कल्याण मान लेंगे उसी में आपकी नौकरी लग जाए बस चलो अगली बात पर चले यहां तक की बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं हम देशांतरों पर किस पर चलते हैं देशांतरों पर तो देशांतर सबसे मोटी बात यह है कि देशांतर कहते किसे हैं देशांतर किन किस चिड़िया का नाम है आओ देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं तो देशांतर किसे कहते हैं याद रखें इस शब्द का जो सामान्य अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है वो है देशों में अंतर किसमें अंतर देशों में अंतर किसके आधार पर अंतर प्यारे दोस्त समय के आधार पर किसके आधार पर समय के आधार पर समय के आधार पर, आधार पर।, आधार पर जो देशों में अंतर है ना उसी को देशांतर कहते हैं किसके वजह से इस समय का आधार पर अंतर आता, आता है दूसरे एक दूसरे देश में तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं देखना जरा देशांतर अब ये जो देशांतर है ये जो देशांतर है इसके लिए एक सीधी सी लाइन याद रखना कि उत्तरी धुरु को कौन से धुरु को उत्तरी धुरु को मैंने आपको पहले भी बताया था मैं एक बार फिर बता रहा हूं इस बात को अपने जहन में सेट कर लो ये खड़ी लाइन है ये तो देशांतर है <coughs> खड़ी लाइन है वो तो क्या है देशांतर है पड़ी लाइन है वो क्या है अक्षांश है खड़ी लाइन तो देशांतर पड़ी लाइन क्या है अक्षांश है क्लियर है हाँ जी क्लियर है ना सभी को जो पड़ी लाइन है लेटी हुई लाइन है उसको लेटिट्यूड कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं जो लंबी खड़ी है उसको लोंगिट्यूड कहते हैं उसको क्या कहते हैं लोंगिट्यूड कहते हैं बात समझ में आ गई अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं तो आगे बात करते हैं अगर मैं बात करूं जो मैं रेखाएं अभी खींच रहा हूं ये रेखाएं तो कौन सी है मेरे दोस्त ये तो है अक्षांश लेकिन अब जो मैं खींच रहा हूं ये कौन सी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखा ये हमें बताएंगी कि कौन से देश में क्या समय हो रहा है इस समय अरे हम तो ज्ञानी बन जाएंगे अगर हमें पता लग गया अगर हम किसी भी देश का समय बताने लग गए तो हम तो बाबा बन जाएंगे देखो इधर चलो आ जाओ तो अब हम बात करते हैं देशांतरों की और देशांतरों का उपयोग किसी देश का समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है प्यारे दोस्त एक जो देशांतर है उसको हम किसी भी देशांतर को किसी भी देशांतर को हम बीच का देशांतर मान करके उसे जीरो डिग्री नाम दे देते हैं क्या नाम दे दे <coughs> जीरो डिग्री नाम दे दे और जीरो डिग्री देशांतर इसको हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं जीरो डिग्री देशांतर इसी जीरो de जीरो de जाता है ग्रीन विच रेखा क्या कहा जाता है ग्रीन विच रेखा इसी ग्रीन विच रेखा को क्या कहा जाता है प्रधान प्रधान याम्योतर याम्योतर समय रेखा प्रधान समय रेखा ये बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानी जाती है किसके नाम से भी जानी जाती है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानक समय रेखा के नाम से भी जानी जाती है याद रखेंगे क्या आप बहुत अच्छे से याद रह जाएगा क्या अच्छा एक ही रेखा के कि कितने सारे नाम बताए मैंने जीरो डिग्री देशांतर ग्रीन विच रेखा प्रधान या दूसरा नाम क्या है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्लियर है हाँ जी क्लियर है ना सभी को हाँ अब देख रहा हूं मैं मार लो तो बसो बस हाँ चलो कोई बात नहीं क्या की बात हो रही है छोड़ो हाँ हद कर दी सर अरे तो भैया हाँ, तो हद् करा जठे उतरा उठे हद्दी करा पडलो रे टाबरू अरे वाह दादा ज्ञान देव है बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है कि पढ़ है, है मेरे तो कोचिंग तो आया, जा आया जा, है। चलो आगे बात कर लेते हैं आ जाओ इधर आओ देखो अरे वाह शाबाश 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 मेरे लाल ऐसे शेयर करो फटाफट से ऐसे आ जाया करो ऑनलाइन आ जाया करो फटाफट से हम्म हम्म आ जाओ इधर आओ अब देखो क्या बात हो रही है यहां पर जरा देख लो मुझे भी आपके कमेंट्स देख करके बड़ा मजा आता है हंसी आती है हंसी तो क्या आती है लेकिन मजा आता है देखो इधर देखो कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो एक जो रेखा है ये यहां से लेकर के यहां तक रेखा खड़ी रेखा है और इसके पास में एक दूसरी रेखा मैं बना रहा हूं प्यारे दोस्त ये एक दूसरी रेखा है अब इसके यहां तक यहां तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है जरा ध्यान से बताना जो दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र है देशांतरों के देशांतरों के मध्य क्षेत्र को मध्य क्षेत्र को मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है मध्य क्षेत्र को गोर या गोरे गोरे कहा जाता है क्या कहा जाता है गोरे गोरे मुखड़े पे नहीं गोरे कहा जाता है मेरे भाई क्या कहा जाता है गोरे कहा जाता है क्लियर है तो ये बात ध्यान में रह जाएगी अब ध्यान क्या देना है कि एक बात बताओ रे एक बात बताओ कि दोनों दे, देशांतरों के मध्य क्या दूरी समान है हर जगह हर जगह दूरी समान है क्या यहां पर तो दूरी ज्यादा है यहां पर नीचे आएंगे तो दूरी घटती हुई चली जाएगी ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी दूरी घटती हुई चली जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि दो देशांतरों के मध्य दूरी कभी भी समान नहीं रहती मतलब यह हुआ कि एक दूसरे के समानांतर नहीं खींची हुई है इसका मतलब यह भी हुआ सर मुड़ी ये मुड़ी हुई एक रेखा ना मुड़ी हुई नहीं है ये सीधी रेखा है ये कैसी रेखा है सीधी रेखा है जब मैं आपको ग्लोब दिखाऊं तो ग्लोब गोल होगा ग्लोब कैसा होगा गोल होगा और ग्लोब के अगर मैं ऐसे एक रेखा खींचूं तो ये आपको दिखने में मुड़ी हुई जैसी लग सकती है लेकिन ये मुड़ी हुई एक्चुअल में नहीं है क्लियर है तो ये ध्यान रखेंगे कि दो देशांतरों के मध्य दो देशांतरों के मध्य दूरी हमेशा बराबर नहीं रहती अगर मैं इसमें भूमध्य रेखा, रेखा की बात कर लू प्यारे दोस्तों भूमध्य रेखा की बात कर लू ये रेखा है तो भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की बात कर लू अगर मैं किसकी बात कर लू ध्रुवों की बात कर लू दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात कर लू तो यहां पर दो देशांतरों के मध्य दूरी कम से कम होती है कम से कम का मतलब भी जीरो होती है ये याद रख सकते हैं आप तो मुझे अब बता दो कि अधिकतम दूरी कितनी होती है दो कर्मागत देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी व कहां होती है इस बात का जवाब दे दो फटाफट कितनी व कहां होती है जल्दी से बता दो भाई सर एक ज्यादा ही अरे हाँ बताओ फटाफट विकास अच्छा चूरू का नाम खराब मत कर सिकर का बदनाम कर रहे हो चूरू का कोई ठीक है बताओ फटाफट बताओ हम्म विजय भाई ट्रंप ट्रंप की बात कर रहे हो जॉर्ज सरकार ट्रंप ट्रंप का क्या लेना देना पहले राष्ट्रपति थे जा चुके हैं ट्रंप जॉन बाइडेन की बात करो बाइडेन बन चुके हैं राष्ट्रपति अमेरिका के नए एक सौ ग्यारह पॉइंट तीन दो किलोमीटर चरण जाने का जवाब संदीप ब्रदर कह रहे हेलो हेलो ब्रदर नमस्कार हाँ जी तू ही कर खराब नेम और कोई कौनी को करे अरे वाह मैं देखू मैं पढ़ लू उतनी देर में डिलीट करो उतनी देर में पढ़ लू भैया यस सर आर जे देसी बोय बहुत बढ़िया <coughs> देसी बने रहो फायदा इसी में है जी देसी रहो अंग्रेजी बनने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका नशा ज्यादा देर तक होता ही नहीं है चलो बताओ रूपाराम रूपाराम बताओ 111 किलोमीटर जीरो डिग्री पर 111 किलोमीटर आर जे बॉय कह रहे हैं चार चार मतलब बता मेरे यार फटाफट से उत्तर बता हाँ जी बताओ फटाफट बताओ 111 किलोमीटर देसी बो चार डिग्री चार डिग्री चार डिग्री कहा, कहा चार डिग्री नहीं रे चार डिग्री नहीं मेरे भाई कहां पर चार डिग्री की बात कर रहे हो देसी बोय हां जी बताओ छोटू राम जी परिहार कह रहे हैं 111 किलोमीटर ठीक है तो चरण जाने की बात से मैं सहमत हूं और आप सबको भी मेरे प्यारे दोस्तों चरण जाने की बात पर ही सहमति जतानी होगी क्योंकि अधिकतम दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है ये अधिकतम है यह क्या है अधिकतम दूरी है और न्यूनतम दूरी होगी तो न्यूनतम कहां पर होगी ध्रुओं पर होगी अगर मैं न्यूनतम दूरी की बात करूं तो धुरुओं पर ध्रुओं पर सर क्या हो जाता है आपस में मिलान हो जाता है और मिलान होने के बाद में कोई भी दूरी नहीं बचती है बचती है क्या बताओ मिलान होने के बाद में कोई दूरी बच जाती है क्या नहीं ना तो आपस में ये एक दूसरी को काट देती हैं कहां पर कहां पर काट देती हैं कहां पर काट देती है धुरुओं पर काट देती हैं इसलिए इनके बीच में दूरी समाप्त हो जाती है कहां पर ध्रुवों पर अब एक बड़ा प्रश्न और निकल करके आता है कि ऐसी कितनी देशांतर रेखाएं हैं ऐसी कितनी देशांतर रेखाएं हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती हैं? अब मैं आपको एक बात पर ले चलता हूं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कौन सी रेखाओं की संख्या देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है कितनी होती है 360 होती है अब इस बात का जवाब दे दो फटाफट से कि इस बात का जवाब दे दो कि कौन कौन सी देशांतर रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है फटाफट से मैं बता दूं कि एक अक्षांश रेखा ऐसी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उस अक्षांश का नाम तो है क्या उस डिग्री अक्षांश रेखा क्या नाम है भैया जीरो डिग्री अक्षांश रेखा अब आप बता दो कि कौन सी कौन सी देशांतर रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है फटाफट से अब बता दो गुड मालीचंद जी नमस्कार गुड गुड इवनिंग जी महेश जी कुमार गुड इवनिंग बहुत बहुत नमस्कार आपको विकास जी पुनिया नमस्कार आनंद भी तो आता है सर आनंद आनंद की तो गारंटी है भाई आनंद की गारंटी है प्रमोद मुहाल 111 हम्म हम्म हु, बढ़िया प्रमोद मुहाल अरे वाह शाबाश चलो बताओ चरण जानी जीरो डिग्री चरण जानी क्या कह रहे हैं केवल जीरो डिग्री चरण जाने कौन सी बात पर पहुंचे बेटा जीरो डिग्री पर पहुंचे आप आगे बात करो आगे बताओ अरे सब सब दो भाई उत्तर तो सब दो उत्तर देने के लिए बैठे हो ना आप हां जी सारी देशांतर ही है सारी देशांतर ही है ऐसा भी कह रहे हो पहले कह रहे हो जीरो डिग्री अब कह रहे हो सभी देशांतर है और ये प्रमोद मुहाल कह रहा है केवल ग्रीनविच अच्छा ग्रीनविच ही है क्या केवल ग्रीनविच ही है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटेगी और बताओ रहे फटाफट जवाब दो रहे मैं जवाबों का इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब देख रहा हूं मैं फटाफट से जवाब दो फिर आगे क्लास को बढ़ाए फटाफट से जवाब दो यार हाँ जी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो लाइक कर दिया करो आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है तो मैं कल पर मल्लम पट्टी लगा दूंगा लेकिन लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो क्लास को क्योंकि ये क्लास सब तक पहुंचनी चाहिए भैया सब तक जानी चाहिए ग्रीन विच रेखा ही नहीं होती प्रमोद मुहाल ये तेरा तो हाल ही है बेहाल मेरे भाई ये देखना जरा सा ध्यान देना केवल ग्रीन विच रेखा नहीं है अब मैं चलता हूं उत्तर की तरफ सभी देशांतर रेखाएं अरे क्या सर सभी देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, रेखा किसको ग्लोब को कितने भागों में बांटती है दो भागों में दो बराबर भागों में बांटती है दो बराबर भागों में बांटती है सर कैसे हाउ देखो इधर देखो ये ग्लोब है कोई भी चीज को आप ग्लोब मान सकते हैं जो गोल वस्तु आपको दिखाई देती है ग्लोब मान लीजिए उसे और मैं यहाँ से इसी चीज से बता सकता हूं जरा ध्यान से देखना अगर मैं इसको ग्लोब मान करके इसके यहाँ से एक रेखा खींचू तो वो जीरो डिग्री मान लीजिए तो ये आधा इधर और आधा इधर मतलब ये हुआ कि ये दो बराबर भागों में बट गया कोई समस्या नहीं है बट गया लेकिन अगर मैं इसको यहां से न काटकर यहां से काट दूं ऐसे इस प्रकार से काट दूं तो आधा इधर और आधा इधर बच जाएगा अगर ऐसा होता है तो भी दो बराबर भागों में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है दो बराबर भागों में कट रहा है कि नहीं कट रहा है कट रहा है ना तो आप यू मत कहना कि केवल ग्रीन रेखा या फिर केवल जीरो डिग्री देशांतर आप कहना कि संपूर्ण देशांतर रेखाएं यानी कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सबकी सब, सब ग्लोब को कितने भागों में बांटती है दो भागों में बांटती है आप इसका उदाहरण ऐसे समझें एक खरबूजा ले खरबूजे पर चाकू रखे एक बार यहां से काटे एक 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 बार 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 से 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 काटे, 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 काटे? कैसे उसको काटे? क्या उसके दो बराबर भाग नहीं हो सकते खरबूजे भाग हो सकते? हो सकते तो भागों, भागों में मारती है दो बराबर भागों में मारती है आ जाओ पुष्पकांत जी जागे नमस्कार पुष्पकांत जी आपका बहुत बहुत नमस्कार भाई जी प्राउड ऑफ यू अरे धन्यवाद आपका शुक्रिया भाई धन्यवाद हाँ जी गीता जाखड़ गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग नमस्कार नमस्कार जी गीता जी बहुत बढ़िया चरण जानी हम्म हम्म हु, प्रत्येक देशांतर रेखा ग्लोब को दो दो बराबर भागों में बहुत बढ़िया बेटा खुश हुआ आपने तो दिल ही जीत लिया आज सच में बहुत बढ़िया आपके उत्तर देख रहा हूं मैं बहुत प्यारे उत्तर आ रहे भैया आपके बहुत शानदार चलिए हम बात कर लेते हैं किसी एक एक देशांतर को लेकर के कौन कौन से देशांतरों को लेकर के बात करेंगे जरा देखना ये एक देशांतर जिसको मैं बीचों बीच खड़ा कर देता हूं किसके बीचों बीच ये ग्लोब के बीचों बीच खड़ा कर देता हूं और इधर अगर आप देखेंगे इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरफ अगर जाओ, जाओगे आप तो ये पूर्वी देशांतर बढ़ते हुए चले जाएंगे इधर कौन से देशांतर? देशांतर अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर पश्चिमी देशांतर बढ़ते हुए चले जाएंगे कौन से देशांतर प्यारे दोस्त पश्चिमी देशांतर बढ़ते हुए चले जाएंगे इधर तो पश्चिम दिशा है इधर पूर्व दिशा है अगर मैं यहां पर एक देशांतर खींची तो ये कौन सी देशांतर है ये कौन सी देशांतर है ये पूर्वी देशांतर अगर मैं दूसरी खींचूं तो ये ये भी पूर्वी देशांतर सर अगर मैं तीसरी खींचूं तो ये भी पूर्वी देशांतर सर अगर मैं चौथी खींचूं तो ये भी पूर्वी देशांतर बिल्कुल ये सभी की सभी की कौन सी देशांतर देशांतर है पूर्वी देशान्तर. अगर मैं अब ऐसे देखा खींचू तो ये पश्चिमी ये भी पश्चिमी ये भी पश्चिमी और ये भी पश्चिमी ये सबकी सब कौन सी देशांतर है देशांतर इधर वाली पश्चिमी इधर वाली पूर्वी बीच वाली ग्रीनविच बीच वाली ग्रीनविच अखिच नहीं ग्रीनविच है मेरे दोस्त क्या है ये ग्रीनविच अब ग्रीनविच के पूर्व में ग्रीनविच के पूर्व में जो भी देश है जो भी राज्य है जो भी जिला है जो भी स्थान या शहर है वो पूर्वी देशांतरों में होता है अगर पश्चिम में है तो वो पश्चिमी देशांतरों में होता है अगर मैं बात करूं कि ये जो ग्रीनविच रेखा है ये कितने डिग्री पर है तो जीरो डिग्री पर जीरो डिग्री पर इसको क्या कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानक समय रेखा अब ये मानक समय रेखा क्या काम करती है ये मानक समय रेखा हर देश का समय निर्धारण करती है किसी भी देश का मानक समय किसको आधार मान करके फिक्स किया गया है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को आधार मान करके फिक्स किया गया है अब जरा ध्यान से देखना यदि मैं यहां पर इस देख रेखा पर अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो यहां पर मान लीजिए दिन के 12 बजे हुए हैं दिन के कितने बजे हुए हैं 12 बजे हुए हैं तो इधर जाओगे तो समय बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा इधर आओगे तो समय घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा इस तरफ आओगे तो समय कम होगा इस तरफ जाओगे तो समय बढ़ जाएगा कारण क्या है कारण यह है मेरे दोस्त कि सूर्य के सूर्य सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है पहला दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है किधर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जरा ध्यान से देखना आई एम कमिंग सर जी आ जाओ स्वागत है नमस्कार आ आजाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी टेक्निकल एजुकेशन पी के टेक्निकल नाम पी के ओके ओके ओके, ओके Osionfish. मानक समय रेखा कहाँ है बताऊंगा ना मैं भारत की मानक समय रेखा की भी बात करूंगा मैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा की भी बात करूंगा मैं सभी मानक समय रेखाओं की बात करूंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसी देश की मानक समय रेखा कैसे तय की जाती है आप किसी भी देश की मानक समय रेखा तय करने के लिए तैयार हो जाएंगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे तय की जाती है किसी भी देश की मानक समय रेखा मैं पांच मिनट देरी से आया था इसलिए पांच मिनट और ले रहा हूं मैं आपकी जरा ध्यान से देखना तो ये वाला इधर अगर आप जाओगे तो समय बढ़ेगा इधर अगर आप आओगे तो समय घटेगा अब किस हिसाब से घटेगा और किस हिसाब से बढ़ेगा इसका मैं आपको एक पैमाना देता हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर चौबीस घंटे में, में कितने घंटे घंटे में 24 में एक चक्कर पूरा कर लेती है कितने चक्कर पूरा कर लेती है एक चक्कर अपने अक्ष पर खड़े खड़े पृथ्वी अपने अक्ष पर ही पृथ्वी कितना चक्कर एक चक्कर पूरा कर लेती है कितने समय में रे चौबीस घंटे में भाई कितने घंटे में चौबीस घंटे में चौबीस घंटे में पूरा कर लेती है इसका मतलब कितना डिग्री चली चौबीस घंटे में कितना डिग्री चली चौबीस तो घंटे और डिग्री कितना घूम गई तीन सौ साठ डिग्री घूम गई अगर मैं चौबीस का भाग तीन सौ साठ में दे दूं चौबीस का भाग अगर मैं तीन सौ साठ में दे दूं तो कितना आएगा अगर मैं बात करूं एक घंटे में कितने घंटे में एक घंटे में पृथ्वी का घूमना कितना हुआ पंद्रह डिग्री कितना डिग्री अगर चौबीस घंटे में वो तीन सौ साठ डिग्री घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी पंद्रह डिग्री घूमेगी कि नहीं घूमेगी पृथ्वी पंद्रह डिग्री घूमेगी अगर मैं बात कर लू मेरे दोस्त एक डिग्री की कितने डिग्री की एक डिग्री की कि एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है तो अगर मैं में किसका भाग दे दू पंद्रह में अगर मैं साठ का भाग दे दू घंटे का एक घंटे का भाग दे दू तो कितना आ जाएगा चार पंद्रह चौके साठ पंद्रह चौके साठ तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है मेरे दोस्त कितना समय लगता है चार मिनट का अब घूम तो पृथ्वी रही है घूम तो कौन रहा है पृथ्वी रही है लेकिन पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की किरणें भी तो देशांतरों को पार करेंगी अरे पृथ्वी यहां घूम रही है तो सूर्य की किरणें देशांतरों को पार करेंगी कि नहीं करेंगी पार करेंगी तो आप ये भी कह सकते हो कि एक डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है कितना समय लगता है दोस्त चार मिनट का समय लगता है फटाफट से लाइव आकर के मुझे दे दो प्रश्नों के जवाब दे दो मैं एक प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा हूं जरा ध्यान से सुनना मैं एक प्रश्न की बात कर लेता हूं आपके सामने स्पीड ज्यादा है महेश कुमार जी कह रहे हैं कि स्पीड ज्यादा है सर आपकी एनर्जी को मान गए आज बहुत मेहनत करते हो सर जी हाँ जी अरे भाई मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है मैंने आपको कहा था ना कि अगर मैंने आपको कहा था ना कि न जाने लोग न जाने लोग हर मोड़ पर मुड़ मुड़ कर संभलते क्यों हैं जाने लोग हर मोड़ पर मुड़ मुड कर संभलते क्यों हैं अगर इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं मेरे भाई अपने अंदर तो एनर्जी की कोई कमी नहीं है आपका साथ चाहिए मुझे बस चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न दे, दे देता हूं बहुत काम का प्रश्न है जरा इस मैप को देख लीजिएगा और एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ चलता हूं प्रश्न यह है कि अगर अगर अगर, अगर एक सौ अस्सी अगर जीरो डिग्री जीरो डिग्री देशांतर रेखा पर जीरो डिग्री देशांतर रेखा जिसको आप क्या भी कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा पर अगर दिन के 12 बजे हैं दिन के 12 बजे हैं तो प्यारे दोस्त आपको ये बताना है कि दिन के साढ़े बारह कितने डिग्री देशांतर पर बजेंगे दिन के कितने दिन के दिन के साढ़े बारह साढ़े बारह पी कितने डिग्री देशांतर पर होगा कितने डिग्री देशांतर पर होगा कितने डिग्री देशांतर पर होगा यह बताना है आपको बहुत आसान प्रश्न है फटाफट से बता दो फटाफट से बता दो कि कितने डिग्री देशांतर पर होगा बता दो जी बता दो बता दो, बता दो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है इजी है और फटाफट से लाइव कम है बढ़ जाओ है अभी थोड़ी गए अभी कहा जा रहे हो यार अभी मत जाओ आ जाओ फटाफट बताओ समय ने जवाब दे दिया सर हाँ जी आ जाओ आ जाओ पी के टेक्निकल जी एजुकेशन समझ में को नहीं आवे समझ में को नहीं आवे के? कोई बात नहीं आज इंतजार करो इंतजार करो आपको समझ में आएगा जिम्मेदारी है हमारी धीरे 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 समझ में आएगा पीके जी आप पीके थोड़ी बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको समझ में कंफर्म आएगा समझ में आवेगो 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 ये मैं लास्ट बोल रहा हूँ आपको पक्का आएगा आपको समझ में गारंटी है मेरी जिम्मेदारी है मेरे डियर डियर माय तो चलो कोई बात नहीं है एक डिग्री पूर्वी देशांतर हाँ जवाब दे दो इस प्रश्न का फटाफट से जवाब दे दो सर एक डिग्री पूर्वी देशांतर एक डिग्री पूर्वी देशांतर एक डिग्री पूर्वी देशांतर और क्या क्या जवाब आ रहे हैं आज तेरे लिए वक्त का इशारा है देखता ये जहां सारा है फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है <गण> अरे वाह मेरे रसगुल्ले मजा ले गया एक डिग्री पूर्वी कैसे होगा गीता एक डिग्री नहीं होगा गीता जाखड़ जी एक डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे हो जाएगा मैं तीस मिनट की बात कर रहा हूं मैं कितने मिनट की बात कर रहा हूं तीस अच्छा सॉरी वहां पर तीस मिनट भी लिखना है साढ़े बारह लिखना है यहां पर कितना लिखना है साढ़े बारह लिखना है भाई आपकी गलती नहीं मेरी गलती है अब बताओ आप अब बताओ साढ़े बारह की बात कर रहे हैं बारह नहीं साढ़े बारह की बात कर रहे हैं, तीन डिग्री पूर्वी देशांतर तीन डिग्री पूर्वी देशांतर हां जी हां जी बता दो फटाफट से बता दो चलिए बाकी के प्रश्नों पर हम कल चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपकी रात्रि शुभ हो अच्छे अच्छे आपको सपने आए और सुबह आप तरोताजा होकर के उठे ऐसी मेरी भगवान भोले से भगवान शिव से कामना है प्रार्थना है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक आप बने रहिए श्री संकल्प क्लासेज के साथ